हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, पाइए चैनल से जुड़े लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो ऐसे लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि तो यहां आपको मिलने वाला है लगातार स्टडी मटेरियल सबसे अच्छा, वो चाहे किसी चीज़ का हो, UPSI, BRSI, UP लेखपाल या आने वाली किसी भी वैकेंसी का मटेरियल आपको यहाँ सबसे अच्छा और सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमसे कई लोगों ने ये चीज़ कहा, क्या UP लेखपाल के लिए CCC ही ज़रूरी है? तो आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सही बात है। आपके पास कोई भी डिप्लोमा है कंप्यूटर का, चाहे वो ADCS हो, ADCA हो, DAFA हो, आपने BBA कर रखा है, BCA कर रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ CCC चाहिए और वो भी 100% चाहिए। अगर CCC पास हैं आप, तभी ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कोई डिग्री आपके पास है, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, सर मेरा ये है, सर मेरा ये है, सर मैंने BBA कर रखा है, सर मैंने ITI कर रखा है। अरे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपने कितना भी अच्छा डिप्लोमा कर रखा है, वो मायने यहाँ नहीं रखता। आपको केवल और केवल CCC चाहिए। तो ये सोचना बंद कीजिए, अभी समय है आपके पास। CCC कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं होती है, ना बहुत लंबी परीक्षा होती है। अगर आप आज फॉर्म भरते हैं तो 3 महीने के अंदर रिजल्ट आपके हाथ में होगा। पास कैसे होना है वो मैं बता चुका हूँ, मेरा वीडियो चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पास होने की ट्रिक क्या है। तो इसलिए आप ये बातें सोचना बंद कीजिए कि आपने ये कर रखा है, वो कर रखा है। CCC ज़रूरी है। अगर आपको लेखपाल बनना है तो CCC करना कंपलसरी है।